everyone, my name is Meenakshi Sharma from MB International School, Nayagaon, Kota. We are going to study time. Let's start day. A day is divided into morning, midday, afternoon, evening and night. तो डे को हमने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले मॉर्निंग, सुबह, मिड डे जो 12 के आसपास का टाइम होता है, आफ्टरनून जो दिन का टाइम होता है, इवनिंग जब शाम का टाइम, और नाइट मतलब रात में. ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. देखिए, मैच द एक्टिविटी विद द करेक्ट टाइम ऑफ द डे. अब ये जो बच्चा है वो मॉर्निंग में ब्रश कर रहा है, तो हम यहाँ पे किससे मैच करेंगे इसको? मॉर्निंग में, क्योंकि हम ब्रश हमेशा मॉर्निंग में करते हैं. अब नेक्स्ट, ये बच्चा जो है वो सो रहा है, तो या देखिए पीछे रात का सीन है, तो ये कब सो रहा है? नाइट में. तो हम इसको किससे मैच करेंगे? नाइट से. अब नेक्स्ट है, ये एक बॉय है, वो अपने घर को जा रहा है, तो हम घर कब जाते हैं? मिड डे में. तो हम इसको किससे मैच करेंगे? मिड डे से. अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो हमारा खेलने का टाइम कौन सा होता है? इवनिंग का. तो हम इसको मैच करेंगे इवनिंग से. लेट्स स्टार्ट डेज ऑफ द वीक. अ वीक हैज 7 डेज. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. तो फर्स्ट होता है मंडे. द वीक बिगिन ऑन मंडे एंड एंड्स ऑफ द संडे. वो जो वीक है हमारा वो मंडे से स्टार्ट होता है और संडे पे खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है. पर कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग वीक जो है वो संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे पे खत्म हो जाता है, पर आपकी बुक में मंडे से स्टार्ट और संडे पे खत्म, ये है. तो फर्स्ट है मंडे, सेकेंड है ट्यूजडे, थर्ड है वेडनसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे एंड देन संडे. There are dash days in a week. एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7. Monday comes just after Sunday. अब आप सुनो, Monday comes, जब Monday आता है, just after, किसके बाद में Monday आता है? तो देखो, Monday किसके बाद में आया था? Sunday के बाद में. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Sunday. अब इधर देखिए, Wednesday comes just before Thursday. मतलब Thursday से पहले क्या आता है? तो थर्सडे से पहले क्या आता है? वेडनसडे. थर्सडे इट बिटवीन वेडनसडे एंड फ्राइडे. मतलब वेडनसडे और फ्राइडे के बिटवीन, मतलब बीच में क्या आता है? तो थर्सडे. तो यहाँ पे हमने थर्सडे लिख दिया. अब है द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूजडे. तो सेकेंड डे ऑफ द वीक, वीक हमारा स्टार्ट हुआ, उसका सेकेंड डे क्या था? ट्यूजडे. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ट्यूजडे. Saturday comes just before Sunday. तो देखिए क्या आया? Comes just before Sunday. तो Sunday से just before, मतलब पहले क्या आया हमारे? Saturday. तो Saturday comes just before Sunday. अब if today is Saturday, then yesterday was, अगर आज Saturday है, ठीक है, तो यहाँ पे आज है Saturday, तो Saturday से just पहले क्या आता है? Friday. तो ये हमारा Friday हो गया. Let's start months and year. One month has 30 days. एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 days. Some months may have more or less than 30 days. अब कुछ महीनों में 30 days से ज़्यादा होते हैं और कुछ महीनों में 30 days से कम होते हैं. One year has 12 months. और एक year मतलब एक साल में कितने month होते हैं? 12 month होते हैं. अब वो कौन कौन से होते हैं months? देखिए, months of the year. तो first month January. नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 31. सेकेंड है फेब्ररी. फेब्ररी में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 28 और 29. पर फेब्ररी हैज 29 डेज इन द लीप ईयर. जब फेब्ररी में 29 डेज की फेब्ररी होती है तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. नेक्स्ट है थर्ड मार्च. मार्च में 31 डेज. फोर्थ है अप्रैल, 30 डेज. फिफ्थ है मई, 31 डेज. सिक्स है जून, 30 डेज. सेवन्थ है जुलाई, 31 डेज. एट्थ है अगस्त, 31 डेज. नाइन्थ है सितंबर, मतलब 30 डेज होते हैं सितंबर में. टेंथ है अक्टूबर, मतलब 31 डेज होते हैं. इलेवेंथ है नवंबर, नवंबर में भी 30 डेज होते हैं. और 12 है हमारा दिसंबर, और दिसंबर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31. तो ए ईयर नॉर्मली है 365 डेज. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज. However, every fourth year is called a leap year and has 366 days. हर चौथे साल को लीप ईयर
कहते हैं, और उसमें कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। इसी लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। हर चौथे साल में लीप ईयर कैसे आता है या कैसे होता है ये मैं आपको अब समझाऊंगी। तो अभी हमारे पहले लीप ईयर कब आया था? 2020 में लीप ईयर आया था। अब हर चौथे साल में लीप ईयर आता है, तो ये जो पीछे की डिजिट है, पीछे का जो ये 20 है, 20 में हम 4 को प्लस करेंगे, मतलब 20 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो आता है 24, क्योंकि हर चार साल में लीप ईयर आता है। तो क्या आया? 24। तो कब आएगा अब लीप ईयर हमारा? 2024। कब आएगा लीप ईयर? 2024। अब अगेन वापस लीप ईयर इसके बाद कब आएगा? तो वही 24 में हम क्या ऐड करेंगे? प्लस 4 करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 25, 26, 27, 28। तो अब नेक्स्ट लीप ईयर हमारा कब आएगा? 2028 में। तो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा हमारा 2028 में, मतलब हर चार साल में लीप ईयर आता है। फॉर एग्जाम्पल 2016 इज़ अ लीप ईयर, मतलब 2016 हमारा क्या था? लीप ईयर था। तो द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी इन द ईयर। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर चौथे साल में लीप ईयर आता है। तो मतलब जब 16 में लीप ईयर आया तो फिर चौथा साल कौन सा हो गया? 17, 18, 19 और 20। तो लीप ईयर कब आया हमारा? 2020 में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी इन द ईयर 2020, मतलब हर चौथे साल में लीप ईयर आता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।